यार गावंदा पाकिस्तानी फैमिली तो रक्षक कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मैं आजाद है। लाल तो आज अजी। का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। भारतीय आर्मी को दुनिया की खतरनाक गाड़ियां यूज करता देख पाकिस्तानी को पड़ गए मिर्गी के दौरे। अच्छा इंडिया के पास हाँ तो इंडिया पर। देखते हैं लेकिन वजह। अभी ये तो वॉच करेंगे हाँ आपने, ये ना कौन सी ऐसी गाड़ी ऐसी है गाड़ियां इंडिया जो आर्मी के भाई पास ऐसी खतरनाक है। खतरनाक, जैसे भाई पाकिस्तानियों को मिर्गी दौरे पड़ गए तो पहले वॉच कर लेते। कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हाई रेव इंडिया में। आज पता हम नहीं आप आपको देखते अपनी कौन इस कौन वीडियो सा। में हाँ जी, हाँ इंडियन बिल्कुल। आर्मी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली 10 शानदार गाड़ियों के बारे कौन कौन में सी बताने गाड़ियां जा रहे हैं। हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, भारतीय सेना दुनिया की ये बात तीसरी तो है बड़ी यार, सेना है। ये सबसे तीसरी ताकतवर सेना है, फाइटिंग बहुत बड़ी फोर्सेस में सेना से एक है। है कोई शक की बात नहीं। भारतीय सेना को मजबूत बनाने का काम कई व्हीकल्स कर रही है, जिनमें हाँ कार, बाइक, ट्रक और टैंक शामिल है। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में उन गाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो मुश्किल से मुश्किल भरे जगहों पर भारतीय सेना की मदद करती है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकेंगे कि वो कौन सी गाड़ियां हैं जिन पर इंडियन आर्मी भरोसा करती है। खास बात यहाँ ये है कि इनमें ज्यादातर टाटा और मारुति सुजुकी की गाड़ियां शामिल है। आज हमने अपने इस वीडियो पर लाइक का टारगेट 10,000 का रखा है, तो जल्दी से हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, वीडियो देखने के बाद इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। नंबर 1, टाटा मर्लिन LSV। मर्लिन में 4x4 व्हील ड्राइव सिस्टम दिया गया है, वही इसमें एडवांस टायर इन्फ्लेशन सिस्टम दिया गया है, जिसके चलते ये फ्लैट टायरों पर भी चल सकता है। इस सिस्टम की खूबी है कि ज्यादा ट्रैक्शन के लिए ये टायरों में हवा का दबाव कम कर सकता है, और वहीं जरूरत पड़ने पर बिना किसी बाहरी स्रोत के टायरों में हवा भरी जा सकती है। मर्लिन में ब्रेकिंग के लिए चारों पहियों में वैक्यूम असिस्टेड ब्रेक्स के साथ हाइड्रोलिक बूस्टर्स लगे हैं, साथ ही चारों पहियों में अलग अलग सस्पेंशन दिया गया है। मर्लिन में मिलिट्री ग्रेड दरवाजे और बुलेट प्रूफ विंडो दी गई है, वही इसके छत पर 7.5 mm मीडियम मशीन गन रखने के लिए स्पेस दिया गया है, साथ ही 40 mm का ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर भी दिया गया है। साथ ही इसमें एंटी टैंक मिसाइल भी इंस्टॉल की जा सकती है। इसमें बड़े व्हील बेस के साथ पीछे की तरफ अतिरिक्त व्हील दिया गया है। मर्लिन में 3.3 लीटर का लिक्विड कूल डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन दिया गया है। ये कॉमन रेल टर्बो इंजन 3,200 RPM पर 185 ब्रेक हॉर्स पावर की पावर और 2,400 RPM पर 450 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। सुरक्षा के लिए मर्लिन LSV में 7.6 mm का मशीन गन और 40 mm का ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर इंस्टॉल किया गया है। इसमें स्टैंक 4569 लेवल 1 प्रोटेक्शन दिया गया है। नाटो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये सबसे ज्यादा सुरक्षित आर्मी व्हीकल है। नंबर 2, वाइपर। वाइपर का इस्तेमाल डिफेंस और अटैक दोनों के लिए किया जाता है। भारतीय सेना की भरोसेमंद इस गाड़ी को श्री लक्ष्मी डिफेंस सॉल्यूशंस कंपनी बनाती है। ये हार्ड आर्म व्हीकल है। इसमें बुलेट, लैंड माइन और ब्लास्ट प्रूफ जैसी खासियतें हैं, जो मुश्किल जगहों पर भारतीय सेना की मदद करती है। इस गाड़ी में 6 कमांडोज की बैठने की जगह होती है। इस गाड़ी की इनर वॉल बैलिस्टिक ब्लैंकेट्स की बनी हुई है, जो बम से होने वाले हमलों में भारतीय जवानों की जान बचाती है। इसका लोअर पैनल बुलेट प्रूफ शील्ड है, जिसे सेना इमरजेंसी ऑपरेशन के समय इस्तेमाल करती है। नंबर 3, टाटा MPV। टाटा MPV यानी माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल को टाटा मोटर्स बनाती है। टाटा MPV में 4x4 व्हील ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन था है। ये गाड़ी बुलेट प्रूफ, लैंड माइन और ग्रेनेड प्रूफ कैपेबिलिटी से लेस है, यानी इस पर गोलियां, बम और माइंस का कोई भी असर नहीं पड़ता है। इसमें पावर के लिए 242 ब्रेक हॉर्स पावर का टर्बोचार डीजल इंजन दिया गया है। इसकी टॉप स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है। इस गाड़ी का इस्तेमाल माइन प्रूफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल के तौर पर होता है। इसका इस्तेमाल इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए किया जाता है। नंबर 4, महिंद्रा मार्क्समैन। महिंद्रा मार्क्समैन एक बुलेट प्रूफ कॉम्बैक्ट व्हीकल है, जिसे खास तौर पर आतंकियों और अराजक तत्वों का मुकाबला करने के लिए तैयार किया गया है। ये एक बेहद ही सुरक्षित वाहन है, जिसका इस्तेमाल मुंबई पुलिस करती है। तो चलिए जानते हैं क्या है इसकी खासियत।
मुंबई पुलिस के महिंद्रा मार्क्समैन को कई संवेदनशील जगहों जैसे हवाई अड्डों और कई सरकारी भवनों में तैनात किया गया है। मार्क्समैन पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है और इसमें कई जगहों पर गन माउंट दिया गया है जिसे अंदर बैठे हुए लोग आतंकियों पर गोली बरसा सके। मार्क्समैन में 360 डिग्री व्यू मिलता है जिससे अंदर बैठकर आसानी से बाहर मौजूद अराजक तत्वों पर नजर रखी जा सकती है। इसका सीआरडी डीजल इंजन 120 ब्रेक हॉर्स पावर की पावर वही इसका डीआई इंजन 115 ब्रेक हॉर्स पावर की पावर जनरेट करता है। कार के दोनों इंजन 5 स्पीड गियरबॉक्स ट्रांसमिशन से लेस है। महिंद्रा की ये लाइट कॉम्पैक्ट व्हीकल लेवल B6 स्टैंडर्ड पर बेस्ड है जो इसमें सवार लोगों को छोटे हथियारों के हमलों के साथ हैंड ग्रेनेड के हमलों से भी सुरक्षा प्रदान करता है। महिंद्रा मार्क्समैन को महिंद्रा बनाती है। 26/11 मुंबई हमलों के बाद इसका और भी ज्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा है। मार्क्समैन का इस्तेमाल इंडियन आर्मी के साथ साथ कोलकाता पुलिस भी करती है। इसके अलावा मार्क्समैन का इस्तेमाल काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में भी किया जाता है। इसमें 2.6 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन फिट किया गया है। इसमें 6 लोगों की जगह होती है। इसकी स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर की है। महिंद्रा मार्क्समैन देश की हाईटेक आर्म व्हीकल में से एक है। भारतीय सेना ज्यादातर इसका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में करती है। नंबर 5 अशोक लेलैंड MBPV। ये आर्मी की तरफ से ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाली व्हीकल्स में से एक है। इसमें ब्लास्ट प्रूफ प्रोटेक्शन दिया गया है। इस MBPV में 8 किलोग्राम का TNT एक्सप्लोजन इंस्टॉल किया गया है। इसमें 360 डिग्री PTZ कैमरा दिया गया है जो सर्विलांस में मदद करता है। इसके अलावा इसमें 1 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा मिलती है। नंबर 6 टाटा WHAP। ये भारत का पहला इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है। हर प्रकार की परिस्थितियों में काम करने में सक्षम है। जंग की परिस्थितियों को देखते हुए डिजाइन सटीक है। टाटा ने इसे DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर बनाया है। ब्लास्ट प्रोटेक्शन, बैलिस्टिक प्रोटेक्शन और NBC प्रोटेक्शन से लेस है। 10+2 सीटिंग कैपेसिटी है। CBRN व्हीकल, रेकी एंड स्पोर्ट व्हीकल, मेडिकल एविक्यूएशन व्हीकल, इंजीनियर स्क्वाड, मोटर कैरियर, कमांडर व्हीकल जैसे वेरियंट में मौजूद है। बीमस्टेक 2018 के दौरान टाटा मोटर्स के डिफेंस एंड गवर्नमेंट बिजनेस के वाइस प्रेसिडेंट वनार नोरो नाहा ने कहा कि टाटा 4x4 माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल और WHAP 8x8 इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल काउंटर इमरजेंसी के साथ साथ कॉम्बैक्ट ऑपरेशन में भी मदद करेगा। बता दे कि टाटा मोटर्स के हाल ही में बीमस्टेक देशों के साथ मिलिट्री व्हीकल सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था जिसके तहत कंपनी म्यांमार को टाटा जेक्सनॉन GS-800, यूनिफिल, मोनुस्को, माली मिशन के लिए टाटा माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल और UN शांति मिशन के लिए मिशन स्पेसिफिक लॉजिस्टिक व्हीकल सप्लाई करेगी। नंबर 7 अशोक लेलैंड मीडियम बुलेट प्रूफ व्हीकल। अशोक लेलैंड के इस सैन्य सुरक्षा वाहन का इस्तेमाल रेड कॉरिडोर्स के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। अपनी बेहतरीन बैलिस्टिक और ब्लास्ट प्रोटेक्शन फीचर्स के चलते ये 8 किलोग्राम विस्फोटक को सहने की क्षमता रखती है। इसमें 360 डिग्री PTZ कैमरा लगा है जो सर्विलांस के साथ 1 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकता है। इसमें 10 लोग सफर कर सकते हैं और ये HVAC एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के साथ आती है। नंबर 8 MEVA स्ट्रैटॉन प्लस। महिंद्रा ने फोर्ड के साथ मिलकर इस वाहन को बनाया है। इसमें फोर्ड का F550 6.7 लीटर टर्बोचार डीजल इंजन लगा है जो 300 ब्रेक हॉर्स पावर की पावर और 894 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ये लाइट आर्म व्हीकल और लाइट टेक्टिकल व्हीकल वर्जन के साथ आता है। इसमें 12 लोगों को ले जाने की क्षमता है। इसमें अलग से सीट बेल्ट, ओ कैबिन AC के साथ टायर इन्फ्लेशन सिस्टम और हेवी ड्यूटी सस्पेंशन फीचर मिलता है। नंबर 10 रेनॉल्ट शेरपा। CRPF और NSG में शामिल शेरपा गाड़ी वाकई शेर है। ये बुलेट प्रूफ फौलादी गाड़ी है जिसका इस्तेमाल पहली बार श्रीनगर के करण नगर इलाके में आतंकियों से लोहा लेने में किया गया था। CRPF की क्विक एक्शन टीम के दस्ते में शामिल ये स्पेशल कॉम्बैक्ट व्हीकल पर 10 किलो RDX, IED और लैंड माइन भी बेअसर है। ग्राउंड क्लियरेंस बेहतर होने की वजह से ऑफ रोड मसलन पानी, कीचड़ आदि से पार पाने के लिए बेहतरीन है।
100 से 120 किलोमीटर की रफ्तार तुरंत पकड़ती है। शेरपा को फ्रांस की रेनॉल्ट कंपनी ने बनाया है। इसमें ड्राइवर को ड्राइवर समेत 4 लोग बैठ सकते हैं। अच्छा। हर दरवाजे में बंदूक की नली के लिए जगह दी गई है। CRPF NSG की क्यूटी में इसके शामिल होने से इस टीम की क्षमता और बढ़ गई है। वो अब किसी भी तरह के ऑपरेशन को आसानी से अंजाम दे सकती है। इसमें 4.7 लीटर टर्बो डीजल इंजन मिलता अच्छा, है जो 215 ब्रेक हॉर्स पावर की पावर और 800 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस कार का वजन करीब 11,000 किलोग्राम है। सेना के सारे आर्मर के साथ भी इसकी स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। शेरपा का फ्यूल टैंक काफी बड़ा है। ये कार फुल टैंक पर 1000 किलोमीटर तक चलने की क्षमता रखती है। यानी जरूरत ही नहीं है। देख अबे कितनी गाड़ियां आर्मी के पास, जितनी भी गाड़ियां सारी है बम प्रूफ, उन पे गोली कोई असर नहीं कर उन्हें नहीं। बिल्ड क्वालिटी इतनी मजबूत है, जो टाटा बना रहा है, बेंजरा बना रहा है, उनका कोई सानी नहीं है बजाज भाई। हर चीज उसमें आप खुद अंदाजा लगाओ। अशोक लेलैंड ये सारे इतने बड़े बड़े हैवी ट्रक दे रहे हैं इंडियन आर्मी, सारे इंडियन। एक हाथ बीच में हमने देखा जो कि इंडियन नहीं दे, लेकिन सारे इंडियन। अबे हमें सीखना चाहिए भारत से कि वहां पर कितने शक्तिशाली, वहां कितनी बड़ी दुनिया की आर्मी है, लेकिन वो भारत के अपने ब्रांड यूज कर रही है। तो हमारे अपने ब्रांड किधर गए? हम लोग चाइना तुर्की मुर्की इनसे इंपोर्ट करते हैं यार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो कोई फैक्ट्री मैक्ट्री नहीं है। ये देखना टाटा महिंद्रा कैसे मैदान में होते हैं और अपनी मुसल्ला फौज को, अपनी आर्मी को कैसे कह दीजिए। किस तरह के हथियार बड़े बड़े ले रहे हैं जिसपे बम असर नहीं करता, जिसपे गोली असर नहीं करती, जिसपे कोई मिसाइल असर नहीं करता, और हम लोग अभी तक बाहर से ले रहे हैं यार चीजें, और इतनी महंगी महंगी चीजें हम यार ले रहे हैं। यार बात ऐसी है कि इंडिया मार को दे रहा है और दूसरे मुल्क होता है ये देख आप खुद अंदाजा लगा। उधर मिशन जो होते हैं ये ट्रक उधर इंडिया के यूज होंगे, ये जो ये सब कुछ आप अंदाजा लगा रहे हैं। कितने हैवी हैवी भारत के ट्रक्स बन रहे हैं कि उसको दुनिया मान रही है, उसकी दुनियादारी कह रही है कि दुनिया उनसे डिमांड कर रही है कि हमें ये ट्रक दो और हमें ये गाड़ियां दो, क्योंकि इंडिया, क्योंकि जारी बात है जब आपके पास गाड़ियां अच्छी नहीं होगी तो आपकी आर्मी किस काम की? आपको आर्मी में पहुंचने में मसला होगा, लड़ाई करने में मसला होगा, लेकिन भारत ने अपनी आर्मी को इस तरह से के वेपन दे दिए, इस तरह की ये गाड़ियां दे दी कि भाई साहब मैं कह सकता हूँ कि इधर चाइना की भी कोई, मैं कहता हूँ आर्मी इधर टिक नहीं पाई। यार ऐसे ही एक गाड़ी है कि 6 बंदे बैठ सकते हो, आप अंदर से भी हमला कर सकते हैं, आपको बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है, और वो ना उसपे बम लगेगा, बम लगेगा गोली असर करेगी, ना उसके टायरों में कोई हवा काम होगी, वो खुद उसमें ऐसी चीजें खुद आ जाती है हवा। ये देखो ना, ये देख लगा, ये आर्मी के पास ऐसी चीजें हो वो आर्मी हार सकती है जंग के मैदान में। मैं तो बोलता हूँ भाई साहब हमें जरूरत है अपनी चीजें बनाने की। बिल्कुल, हम लोग इतना ज्यादा पैसा दे के बाहर लेकर रहे हैं, पहले तो अपनी एजुकेशन पे ध्यान दे, फिर उसके बाद ये चीजें करें, लेकिन भाई साहब सीखें, हमें भारत से सीखना चाहिए कि अपने आर्मी को आखिर वो चीजें कहाँ से ला के दे रहे हैं, अपने मुल्क से, अपने कंट्री से ही बना, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। ऐसे हथियार है जो पहाड़ों को कुछ समझती नहीं है, बिल्कुल रुकने का तो नाम ही नहीं है। बिल्कुल, आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में? खत्म कर दो।